नमस्कारम, आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस रोग, जिसको आयुर्वेद में या हमारे देसी भाषा में क्षय रोग या राज्य यक्षमा रोग भी कहते हैं। तो क्षय रोग अर्थात राज्य यक्षमा जो रोग है, यह शरीर के वैसे तो किसी भी अंग को प्रभावित कर दे सकती है। कभी कभी यह रीढ़ की हड्डी में, कभी कभी यह पैर की हड्डी में होता है। परंतु जो टीबी रोग है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है, ज्यादातर फेफड़े में टीबी होता है। और टीबी के विषाणु होते हैं, टीबी के वायरस होते हैं, और टीबी एक संक्रामक रोग है। छुआछूत का रोग भी कह सकते हैं, संक्रामक रोग है। यह फैलने वाली बीमारी है। जब हम बसों में यात्रा करते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं या किसी गंदगी की जगह पे जाते हैं, तो वहां पे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर गंदगी के द्वारा या हमारे सांस के माध्यम से हमारे फेफड़े में और हमारे शरीर में टीबी का वायरस चला जाता है और हमारे फेफड़े को या फिर जो जिस टीबी का यह वायरस होता है उस अंग को प्रभावित करता है, उस अंग को खोखला बना देता है। और कभी कभी जब सर्दी खांसी जुखाम या खांसी या दमा रोग बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो भी टीबी होता है। और जिस रोग को यह टीबी के वायरस प्रभावित करते हैं वह अंग गलने लगता है, निष्क्रिय होने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। और यदि टीबी का उपचार ना किया जाए टाइम से तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो आज मैं आपको उपचार बताने जा रहा हूं कि शरीर के किसी अंग में टीबी हो उसके लिए समान रूप से गुणकारी उपचार और आयुर्वेद का एक अमृत स्वरूप फार्मूला जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है, जिससे बहुत सारे हजारों मरीज ठीक हो चुके हैं। क्या है वह फार्मूला? एकदम देसी उपचार है, एकदम निःशुल्क उपचार है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकते हैं जिनके पास डॉक्टर की फीस देने तक के पैसे नहीं है। बहुत ही निःशुल्क टाइप का उपचार है, बहुत ही कम खर्च वाला उपचार है, घरेलू उपचार परंतु बहुत ही कारगर उपचार है। तो नोट कर लीजिए क्या है फार्मूला। 4 चम्मच प्याज का रस, 4 चम्मच शहद, आधा चुटकी हल्दी और 2 दाने काली मिर्च, 2 कली लहसुन का, इन चीजों को आप सिलबट्टे पे पीस लीजिए और पीस करके आधे गिलास पानी में, आधे गिलास गुनगुने पानी में घोल करके सुबह शाम रोगी को पिलाएं तो यह टीबी के लिए बहुत ही अमृत फार्मूला है। साथ में टीबी के लिए एक बनी बनाई औषधि आती है, वो भी इसके साथ प्रयोग करना है, जिसका नाम है 6 कुठार रस। इसका प्रयोग अलग अलग उम्र के व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से कराया जा सकता है, परंतु यदि एक वयस्क व्यक्ति है तो 1 टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद में और 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में इसका प्रयोग कराना है। तो ये जो दोनों फार्मूला है, इसका प्रयोग एक साथ रोगी को कराना है और कम से कम इसका प्रयोग 6 महीने तक कराना है। जब रोगी को लगे कि एकदम ठीक हो गया है, उसके बाद में भी वो जाके पैथालाजी में, सरकारी हॉस्पिटल में टीबी की जांच कराए, जब उसका जो टीबी का रिपोर्ट आता है वह निगेटिव आ जाए उसके बाद भी 1 महीने तक इसका प्रयोग करके फिर इस दवाई को बंद करना चाहिए। तो यह दवाई बहुत ही सरल है, बहुत ही सटीक है, इससे बहुत सारे रोगी सही हो चुके हैं। निःशुल्क फार्मूला है और यह आयुर्वेद का अमृत है। इसको आप जन जन तक पहुंचाइए और इस फार्मूले के बारे में, इस औषधि के बारे में यदि आपको कहीं पे कंफ्यूजन है या किसी अन्य रोग के निदान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। और यदि आप मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।